ऑस्ट्रेलिया का वेदर इस टाइम पे कैसा है। दुनिया के कंट्रीज से ऑपोजिट चलता है, जैसे कि पाकिस्तान, यूके, कनाडा, इन 10 to 15 days में यहाँ पे अब गर्मियाँ जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और सर्दियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फेयरफील्ड हाइट्स इराकी फूड है, तो इनकी जो इन्होंने नाम दिया है बेबीलोन स्पेशल सॉस, वॉक अलोंग द रिवर। इतना ही छोटा प्ले एरिया था, काफी अच्छा ये बना हुआ था। तो हम लोग गलती से जो है फर्स्ट टाइम जब आए थे, तो हम छोटे नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई, आगे एक लेक बनी हुई है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम लोग, संडे था और कल जो थी बर्थडे की, बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। सुबह रात को ही मैंने सारा घर तकरीबन समेट लिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे, जिसकी वजह से सुबह से हम लोग घर पर ही थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर इस टाइम पर कैसा है। इस टाइम यहाँ पे चल रहा है समर, जो कि ख़त्म होने वाला है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी इस बात का आइडिया होता कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया के कंट्रीज से ऑपोजिट चलता है, जैसे कि पाकिस्तान, यूके, कनाडा, इन सब से ऑपोजिट वेदर चलता है। वहाँ पे एक टाइम पे सर्दियाँ आती हैं, जब वहाँ पे सर्दियाँ आती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ आती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वेदर अब चेंज होना स्टार्ट होगा 10 to 15 days में, यहाँ पे अब गर्मियाँ जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और सर्दियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही पाकिस्तान में गर्मियाँ स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे आजकल जो है वो गर्मियाँ हैं, और एक दिन बीच में बहुत गर्म आता है, और बीच के जो एक हफ़्ता होता है वो बहुत प्यारा मौसम होता है। आज मौसम गर्म था, और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत बच्चों को लेकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं, और कुछ फूड की क्रेविंग भी हो रही थी, तो आज हम देखते हैं हम आज क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो शाम को जब हम लोग निकले, तो हम लोग का इरादा बना कि आज हम एक नई चीज़ डिस्कवर करते हैं, और ये है इराकी फूड। ये है फेयरफील्ड हाइट्स इलाका जो है, इसके अंदर एक बेकरी बनी हुई है जिसकी मैंने बहुत हाइप सुनी थी, इसका नाम है बेबीलोन बेकरी। ये मानूश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले जाके हमने अपना ऑर्डर इनके पास प्लेस किया, और 10 minutes के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आई थी वो थी ये ज़ातर, लबना विद ज़ातर। ये मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, और आज हम लोगों ने जो है शाम के टाइम ये ट्राई करने के लिए लिया था। तो जब ये हमारे पास आया, तो हमने इसे जब ओपन किया तो देखा इसकी जो ब्रेड थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक थी, क्योंकि जब भी मैंने ये लिया है हमेशा लेबनीज शॉप से लिया है, क्योंकि ये लेबनीज का फेमस ब्रेकफास्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बेबीलोन बेकरी है, ये इराकी फूड है, तो इनकी जो ब्रेड थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जो लोग इराकी फूड के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि इनकी जो ब्रेड होती है वो समून की तरह की ब्रेड होती है, और इसका जो स्पॉन्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो ये थोड़ा अच्छा था। और उसके बाद जिस मेन चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे, अब वो ऑर्डर हमारा जो है ना वो आ चुका है, वो है इनका जो शवारमा प्लेटर है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी कि इनका शवारमा प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा एक प्लेटर बना कर ये देते हैं। तो हमारा जो था वो सेकेंड जो मेन चीज़ हम खाने आए थे, मैं आपको मेन्यू भी इनका दिखा रही हूँ। इनके पास पिज़्ज़ाज हैं, मानूश हैं, और शवारमा प्लेटर है। तो खैर, हमारा जो शवारमा प्लेटर है वो आ चुका है, और जितना ये अपीलिंग, मतलब हम सोच के आए थे, ये उतना ज़्यादा अपीलिंग लुक वाइज नहीं था, बस ठीक था, ऑन एवरेज बिल्कुल नॉर्मल सा एक शवारमा प्लेटर लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और टेस्ट करने के बाद हमें जो लबना विद वेजिज़ है वो काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेहतर लगा था। और इसके बाद हमने ट्राई किया था अपना शवारमा प्लेटर, इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक स्पेशल सॉस डाली हुई होती है, येलो कलर की मस्टर्ड टाइप की एक सॉस होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया है बेबीलोन स्पेशल सॉस। और ये इनका प्लेटर था, इसके ऊपर थोड़ी सी इनकी सैलड थी, और इस जो शवारमा प्लेटर था वो इन्होंने थिन ब्रेड में ही बनाया था। और उसके अलावा जो था, जब हमने इसको ट्राई किया तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल टोटल मनी वेस्टेड वाला हिसाब था, बिल्कुल भी फूड मज़े का नहीं था। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, और हम लोग आ रहे थे, बच्चों को लेकर जा रहे थे एक नए पार्क, इसके बारे में मुझे अभी अभी पता चला था कि पेंड्रिथ की साइड पर एक नया रिज़र्व और पार्क ओपन हुआ है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ना बच्चों को वो दिखाया जाए। मेरी एक इंग्लिश फ्रेंड ने बच्चे बताया था कि
यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क खुला है, तो मैं उस साइड पे बच्चों को लेकर गई थी फेयरफील्ड से सीधा पेनरिथ की तरफ। तो हम लोग आए हैं ट्रेंच रिजर्व, तो ये बिल्कुल अभी रिसेंटली ओपन किया गया है। इसके साथ जो है बहुत बड़ी एक वॉक बनाई गई है, वॉक अलोंग द रिवर, और उसके साथ छोटा सा ये प्ले एरिया बना हुआ है। लेकिन जितना मुझे उसने बताया था, सेकेंड डिजास्टर था ये कि ये उतना ही छोटा प्ले एरिया था, जाते साथ ये है कि मेरे बच्चे जो थे वो खेलना शुरू हो गए थे, आपस में इनको झूले मिल गए थे। यहाँ पे जो जितने भी झूले और इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो बच्चों के मुताबिक लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए ये लगाया गया है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये दो तरह की इसमें स्लाइड्स हैं, एक बड़ी स्लाइड है, एक छोटी स्लाइड है, यानी कि 2 ईयर से छोटे बच्चे भी इसके साथ खेल सकते हैं और उससे बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा इस पार्क से सेटिस्फाइड नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जिप लाइन का इंतज़ाम भी किया हुआ था। जितना मैं सोच के आई थी कि बहुत अच्छा पार्क होगा, बहुत बड़े लेवल के इसके ऊपर झूले लगे हुए होंगे, उतना यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और हमने यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट स्पेंड किए, बच्चों ने अपने जितनी भी स्लाइड्स थी और झूले वगैरह वो ले लिए थे, थोड़ा बहुत खेल चुके थे, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। जब हम निकल रहे थे तो हम थोड़ा सा आगे गए इसी पार्किंग के अलोंग साइड, तो हमें पता चला कि इसका जो मेन पार्क है वो बिल्कुल आगे जाके बना हुआ है। तो बाय चांस हम लोग आगे जा रहे थे, बड़े प्यारे यहाँ पे ट्रीज लगे हुए थे, मौसम बड़ा अच्छा था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे, डॉग वॉकिंग हो रही थी और काफ़ी अच्छा ये बना हुआ था। तो हम अभी निकलने ही वाले थे, तो हम जब आगे गए तो वहां पे देखा कि जो इसका मेन पार्क है जहां पे बच्चों की बड़ी स्लाइड्स और बच्चों के भले बड़े झूले लगे हुए हैं, वो प्ले एरिया जो था वो सेकंड था। तो हम लोग गलती से जो है फर्स्ट टाइम जो आए थे तो हम छोटे बच्चों के प्ले एरिया की तरफ चले गए थे। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मंजर ही चेंज था। यहाँ पे प्रॉपर पिकनिक प्लेस बनी हुई थी, उसके अलावा जब मैं आगे गई तो यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए थे और ये इनका प्ले एरिया था। काफ़ी दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें काफ़ी बड़े इक्विपमेंट लगे हुए थे, मतलब 2-3 तरह की स्लाइड्स लगी हुई थी। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो था बड़ी स्लाइड्स लगी हुई थी और उसके अंदर स्पाइडर वाला वेब भी लगा हुआ था। उसके अलावा बच्चों की हाइकिंग के लिए यहाँ पे जो है वो इंतज़ाम किया हुआ था। उसके अलावा वाटर प्ले एरिया भी था जो कि इस टाइम पे बंद है, यहाँ पे चल नहीं रहा। तो मैं ऊपर खड़ी होगी, ये हाइकिंग ट्रैक बना हुआ है बच्चों के लिए, क्लाइंबिंग ट्रैक बना हुआ है। उसके अलावा ट्रैम्पोलिन जो था छोटे छोटे वो भी यहाँ पे बने हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चों ने तो देखते साथ ही ज़िद करनी शुरू कर दी कि अब हमने यहाँ भी खेलना है, तो हमें उनकी ज़िद के आगे घुटने टेकने पड़े। हमें कोई काम भी नहीं था तो हम बच्चों को लेकर यहाँ बैठ गए। मुझे बहरहाल ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई, फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पे पिकनिक के लिए ज़रूर आऊँ। और जो लोग सिडनी से देख रहे हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो ज़रूर उनके साथ आएँ। और इसके आगे एक लेक बनी हुई है, तो आप जो है वो लेक शायद इस वीडियो में आपको नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन इसके आगे एक लेक बनी हुई है जहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं। पिकनिक एरिया भी बना हुआ है और प्ले एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। तो मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट टाइम बच्चों को यहाँ पर ज़रूर ले कर आऊँगी। और आज का दिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। सुबह के टाइम तो घर पे ही सारा टाइम स्पेंड हुआ, फूड ने हमारा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ किया, लेकिन इस रिज़र्व ने अच्छा बच्चों को एंटरटेन किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए बच्चे। और यहाँ पे अब शाम का टाइम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।